नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्य और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सतत पांच दिनों से शुरू मूसलाधार बरसात से नदियां नाले उफान पर होने से जिला प्रशासन लगातार नागरिकों को नदी किनारे जाने से और पुलिया में बहते पानी से आने जाने की मनाही करने के बावजूद भी लोग अपनी मूर्खता का परिचय देने से पीछे नहीं हट रहे। उसी प्रकार कल रविवार को वैकोली के रायतवारी महाकाली कॉलोनी महाप्रबंधक कार्यालय तथा शमशान घाट के पास स्थित पुलिया से करीब 2 फीट ऊपर बहते पानी में वाहन डालकर एक सिरफिरे वाहन चालक ने अपनी बहादुरी दिखाने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डाल दी। तेज बहते पानी में गाड़ी बहकर पुलिया के तेज बहाव में बह गई। वहीं खड़े एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल हृदय विदारक मंजर कैद कर लिया, जिसके वायरल होते ही घटना की जानकारी लोगों को हुई है। दरअसल करीब 2 महीना पूर्व बीएमटी चौक निवासी युवक ने वाहन लाए, जिससे पानी की ताकत का अंदाजा नहीं होने से पानी में बह गया। बताया जाता है कि कार में चालक सहित 2 लोग सवार थे। एक ने बहती कार से कूदकर तथा दूसरे ने एक वृक्ष पर लटक कर अपनी जान बचाई। खबर लिखे जाने तक पूरी जानकारी नहीं मिली। फिलहाल दोनों युवक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिया के ऊपर से पानी बहने वाली पुलिया को दोनों बाजू से जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर तुरंत बंद करना चाहिए, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और नागरिकों ने भी इस प्रकार की घटनाओं से सबक लेने की आवश्यकता है। आखिर मानव जन्म एक ही बार मिलता है। चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।